यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी का बयान, यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। लखनऊ की घटना कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती है। विकास और कानून व्यवस्था के बारे में कोई कुछ नहीं पूछ सकता है, जो सवाल उठाता है उसे धमकाया जाता है। सरकार का खुलकर विरोध कर रही है कांग्रेस। सरकार ने पूरे प्रदेश में भय का माहौल बनाया है। बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश राठौर और सपा के पूर्व मंत्री सीपी राय आज ले रहे हैं कांग्रेस की सदस्यता। हम सब मिलकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। कई और दल के लोग भी जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी से आए सीपी राय एवं बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश राठौर ने ली कांग्रेस की सदस्यता। प्रदेश अध्यक्ष जलाल साबरी ने दोनों को पटका पहनाकर कांग्रेस ज्वाइन कराए। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में विधायक रहे 2017 तक, हाँ 17 से 22, पूर्व विधायक आदरणीय राकेश राठौर जी, और साथ ही साथ हमारे समाजवादी पार्टी से दर्जा प्राप्त मंत्री भाई सीपी राय जी, दोनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस परिवार उन सबका स्वागत करता है, क्योंकि आज जिस तरीके का माहौल है उस माहौल को देख करके हमारे साथियों ने आज कांग्रेस पार्टी में परिवार में शामिल होकर के इस सरकार से लड़ने के लिए कांग्रेस का जो दामन थामा है, हम सब मिलकर के इस अन्याय अत्याचार करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का आज निर्णय लेते हैं। लगातार हम लोग मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और आज ये भी तय करते हैं कि लगातार तमाम दलों से लोग कांग्रेस पार्टी के साथ अनवरत शामिल होते रहेंगे और ये कांग्रेस परिवार प्रदेश और देश की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने हमें मौका दिया है, ली है। और भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी और लोकतंत्र और संविधान विरोधी सरकार, अगर आज पूरे देश में भी सीपी राय सब कह रहे थे, पूरे देश में कोई लड़ता हुआ दिख रहा तो आदरणीय राहुल गांधी जी की बड़ी भारत जोड़ो यात्रा ने से हम लोग बहुत पढ़ा। जिस तरीके से देश के एक छोर से दूसरे छोर तक उन्होंने लोगों को जानने का प्रयास किया, वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। उनके नेतृत्व में, आप सबके नेतृत्व में, परिजनों के नेतृत्व में, हमको इच्छा से धन्यवाद। हमारे एक नेता थे मधुलिमय, उनका नाम जानते हैं आप लोग? मधुलिमय वो शख्स थे राजीव लोहिया के बाद जो सबसे बड़े समाजवादी चिंतक थे, और जब वो संसद में प्रवेश करते थे और उनके हाथ में कुछ कागज होता था तो मंत्री लोग डरने लगते थे, पता नहीं किसकी आज खाट खड़ी होगी। मधुलिमय जी ने अपनी मौत के समय 1995 में आखिरी लेख लिखा और उस लेख में उन्होंने चेतावनी दी, यद्यप जब पूर्व में जनसंघ की और समाजवादी पार्टी की समझौता हुआ था तब भी उसका विरोध करने वाले अकेले आदमी का नाम था मधुलिमय, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने दबाव डाल दिया तो वो फिर चुप हो गए। मधुलिमय ने 1995 में आखिरी लेख लिखा था और उन्होंने उसमें लिखा था कि देश में फासीवाद दस्तक दे रहा है और फासीवाद के कब्जे से देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना ही होगा, और उन्होंने कहा था कि समाजवादियों का यह कर्तव्य है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने बयान दिया था, काश समाजवादी कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं हुए होते और अब भी जरूरत है कि वो साथ आ जाए। मित्रों, मैं देश के सारे समाजवादियों से अपील करता हूँ, देश संकट में है, देश का संविधान संकट में है, देश का लोकतंत्र संकट में है, देश के लोगों की जबान संकट में है, देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, देश की सीमाएं संकट में है और देश की विदेश नीति संकट में है। इसलिए मैं पूरे देश के सारे समाजवादियों से अपील करता हूँ, यह उचित समय है कि छोटे छोटे टुकड़े में बट करके देश को बर्बाद मत करिए, बल्कि सब लोग आइए और कांग्रेस के साथ आइए, संभव हो तो कांग्रेस में आइए
और अगर कांग्रेस में आने में थोड़ी बहुत हिचक हो रही हो तो थोड़ा सोच लीजिए, लेकिन तब तक कांग्रेस के साथ आइए, ये मेरी सबसे अपील है। और कांग्रेस को मजबूत किए बिना किसी भी हालत में फांसीवाद को रोका नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। इसलिए मैं कांग्रेस में एक साधारण कार्यकर्ता बनकर आया हूँ। जो पार्टी मुझको आदेश देगी मैं उस काम को करूंगा, दौरा करने को कहेगी दौरा करूंगा, जो भी काम कहेगी करूंगा। लेकिन सारे लिखने पढ़ने सोचने समझने वालों की आज जिम्मेदारी है। हिटलर भी जब आगे बढ़ रहा था तो उसके सारे समर्थक ये कहते थे जो कर रहा अच्छा कर रहा है, लेकिन जिस दिन हिटलर ने आत्महत्या कर लिया उस दिन उनमें आपस में मारकाट शुरू हो गई और उसी जनता ने हिटलर के लोगों को मारना शुरू कर दिया। वही परिस्थितियां भारत देश के अंदर दिखाई पड़ रही है। अगर हमको हिटलर का जर्मनी बनने से बचाना है, अगर हमको मुसोलिनी का इटली बनने से बचाना है, तो हम सबको आपको मिल करके फांसीवाद को रोकना ही पड़ेगा। और फांसीवाद के पैरों को जितनी जल्दी रोक देंगे उतना ही हमारे आपके भविष्य की पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी और खुशहाल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई भी सवाल हो, कोई चिंता बात नहीं, जितनी देर तक पूछते रहेंगे जवाब देता रहूंगा।